जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 7 का फोर्स एंड प्रेशर पेज नंबर 101। तो इस पेज पे हमारे पास जो है एक्टिविटी 7.3 इसको हमने सोल्व करना है और साथ मिनी एक्सरसाइज का एक ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप, इसको हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। अली वेट इज 500 न्यूटन। अली का वेट हमारे पास गिवन है 500 न्यूटन। ही स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड विद एन एरिया 0.025 मीटर स्क्वायर। अंडर हिज फीट व्हाट इज प्रेशर एग्जर्टेड बाय अली ऑन फ्लोर, कि अली फ्लोर के ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो मेथड होता है हमारे पास, सबसे पहले हमने लिखना है गिवन डाटा लिख सकते हैं हम इसको, कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो इंफॉर्मेशन गिवन है हमें वेट फोर्स, अली का जो वेट है फोर्स जो कि होती है 500 न्यूटन, शॉर्ट फॉर्म में उसको W से लिखते हैं हम 500 न्यूटन, और एक वेट इसको कहते हैं और ये फोर्स भी होती है हमारे पास। साथ हमें गिवन है फ्लोर का ग्राउंड का एरिया जो कि अंडर हिज फीट है 0.025 मीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है हमें 0.025 मीटर स्क्वायर। हमने फाइंड आउट करना है इसमें प्रेशर को। तो प्रीवियस टॉपिक में हमने प्रेशर का टॉपिक और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स गिवन है हमें, एरिया गिवन है, दोनों की वैल्यूज इस फॉर्मूले में हमने पुट करनी है सिंपली 500 डिवाइडेड बाय 0.025। तो 500 की इस पे डिवाइड करें, आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 20,000। और प्रेशर का यूनिट हमने पढ़ा था, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। और इसका इन्होंने आगे मिनी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऑल्सो कन्वर्ट दिस प्रेशर इंटू पास्कल, हमने इसको पास्कल में भी कन्वर्ट करना है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने पास्कल के इक्वल होगा, इतने ही पास्कल के इक्वल होगा, 20,000 पास्कल के इक्वल होगा। तो उन्होंने कहा था इसको पास्कल से किस में कन्वर्ट करना है, किलो पास्कल में। हमने इसको पास्कल से किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है। तो 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू 20,000 पास्कल, लेकिन हमने इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास 1 किलो पास्कल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इज इक्वल टू होता है 1,000 पास्कल के। सिंपली 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1,000 ग्राम। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1,000 मीटर। तो 1 किलो पास्कल में कितने पास्कल होंगे, 1,000 पास्कल। तो 20,000 पास्कल अगर उसको हमने किलो पास्कल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे प्रेशर इज इक्वल टू 20 किलो पास्कल। 20,000 पास्कल की जगह पे हम उसको लिख सकते हैं 20 किलो पास्कल, बिकॉज 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1,000। तो ये 20,000 है हमारे पास, तो ये 20 किलो पास्कल हमारे पास बनेगा। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन मिनी एक्सरसाइज इसी पेज पे। अ मेटेलिक बॉक्स प्लेस ऑन द फ्लोर वेज 3,000 न्यूटन। एक मेटेलिक बॉक्स है जिसका वेट हमें दिया हुआ है 3,000 न्यूटन। तो इसके जो क्वेश्चन है हमने फाइंड आउट करने हैं, प्रेशर कैलकुलेट करना है। एक तो इसकी ये पोजीशन है हमारे पास लाइंग पोजीशन जो डायग्राम बुक पे बनी हुई है, हॉरिजॉन्टल भी इसको कहते हैं, ये लाइंग पोजीशन डायग्राम बनी हुई है। एक इस केस में हमने प्रेशर कैलकुलेट करना है और दूसरा हमने इस केस में प्रेशर को कैलकुलेट करना है जब उसकी पोजीशन उन्होंने वर्टिकल कर दिया है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो फॉर्मूला हमारे पास यही यूज होगा क्योंकि हमने प्रेशर ही कैलकुलेट करना है, सिर्फ क्या चीज चेंज होगी, एरिया चेंज होगा। वर्टिकल पोजीशन का एरिया कुछ और है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल पोजीशन का एरिया कुछ और है, बट उन्होंने जो हमें फोर्स दी हुई है वो सेम है, जो उसका वेट है हमारे पास मेटेलिक बॉक्स का वो 3,000 न्यूटन ही है। स्टूडेंट्स, तो
तो प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है इसमें, फॉर्मूला ई है फोर्स ओवर एरिया। तो फर्स्ट केस है हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया हुआ है कि लाइन पोजीशन जो हमें शो हो रही है बुक में डायग्राम में, जिसको हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। तो इस केस में एरिया जो कि ग्राउंड को टच कर रहा है वो क्या होगा, आपके सामने शो हो रहा है। एक तो देखो उसकी 0.8 मीटर वाली लेंथ जमीन को टच कर रही है ग्राउंड को, और कौन सी टच कर रही है 0.3 मीटर। कि जैसे ये मेरे पास लेट्स सपोज मेटालिक बॉक्स है, अगर इस तरह से पड़ा हुआ है, तो एक ये इसकी हमारे पास लेंथ इसकी उसको ग्राउंड को टच कर रही है, और दूसरा उसकी जो हमारे पास ब्रेड्थ है हाइट उसको टच नहीं कर रही। तो हाइट का एरिया कैलकुलेट नहीं करेंगे, मतलब हमने जो एरिया कैलकुलेट करना है इसकी टू साइड्स, एक 0.8 मीटर वाली साइड और दूसरी इसकी 0.3 मीटर वाली साइड को मल्टीप्लाई करके हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई 0.3, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.24 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा इसका एरिया। तो हमने प्रेशर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें फोर्स भी चाहिए। फोर्स हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 3000 न्यूटन, तो फोर्स यहाँ पे आपने लिख देनी है एफ इज इक्वल टू 3000 न्यूटन। प्रेशर कैलकुलेट करना है, अब ये फॉर्मूले में आपको पता चल गया होगा, वैल्यूज पुट करनी है 3000 डिवाइडेड बाय एरिया कितना हमारे पास 0.24, और इसका आंसर आपने फाइंड आउट करके मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि इन दोनों को डिवाइड करके क्या आंसर आता है। तो हमारे पास प्रेशर होगा और उसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 पास्कल के। तो इस केस में हमने इसको कन्वर्ट नहीं करना। ये वाला हमने जो प्रेशर कैलकुलेट किया है ये कौन से केस का है, जब लाइंग पोजिशन में पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल पोजिशन में। अब सेकेंड जो क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है कि आपने कैलकुलेट करना है इसका वर्टिकल पोजीशन, कि वर्टिकल पोजीशन का प्रेशर कितना है। तो वर्टिकल पोजीशन में फोर्स सेम रहेगी हमारे पास, चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, उसका एरिया चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे कि वर्टिकल पोजीशन का एरिया क्या है। तो एरिया के लिए देखो, अब पहले पोजीशन मेरे पास ये थी हॉरिजॉन्टल उसकी मेटालिक बॉक्स की, अब ये वर्टिकल पोजीशन है। तो वर्टिकल पोजीशन में कौन कौन सी साइड्स इसको टच कर रही हैं, एक तो इसकी ये वाली साइड जो कि 0.2 है और दूसरी उसकी विड्थ 0.3, ये दोनों साइड्स अब ग्राउंड को टच कर रही हैं। तो एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे फिर 0.2 मल्टीप्लाई 0.3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एरिया का आंसर आ जाता है 0.6 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया उसका एरिया। जबकि फोर्स हमारे पास सेम है, जो कि उसका वेट है मेटालिक बॉक्स का वो सेम है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू 3000 न्यूटन। तो हमने कैलकुलेट करना है इसमें सेम प्रेशर को, प्रेशर का फॉर्मूला वही है फोर्स ओवर एरिया। तो अब जब इस केस की हम बात करेंगे, इसके बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी, क्या चीज चेंज हो रही है इसमें हमारे पास, एरिया उसका 0.6, तो 0.24 की बजाय आप क्या लिखेंगे इसमें 0.6 इन द केस ऑफ वर्टिकल पोजीशन। तो आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, आपके पास जो आंसर आएगा आप लोगों ने इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताना है कि हमने जो प्रेशर कैलकुलेट किया है इस मेटालिक बॉक्स का क्या है। तो जी स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है ये लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।